नाश्ते में सिर्फ वेजिटेरियन? हाँ वेजिटेरियन। नॉन वेज का कोई इंतजाम नहीं? नॉन वेज मेरे यहाँ वर्जित है। वर्जित। हालिया डांट किस बात पर लगी थी? साल 5 साल में कम से कम गैंगटॉक, दार्जिलिंग, नेपाल घूमते थे और एक निगोसिएशन, एक खेल होता था अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, वो सब आपने उसको मार दिया, उनकी रोजी रोटी मार दी। ये सब्जी है आलू गोभी मटर, ये कड़ी और ये मटर के पराठे और सादी रोटी। और अभी हम नाश्ते पर बैठे हैं सरकार के साथ। सरकार मतलब बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी के साथ। नाश्ता कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं चलिए शुक्रिया, आप नाश्ता कराने का अवसर दिए इसके लिए शुक्रिया। सुबह सुबह जो आता है सबको नाश्ता कराते हैं? मोटा मोटे जो घर में उपलब्ध रहता है। अच्छा, नाश्ते में सिर्फ वेजिटेरियन? हाँ वेजिटेरियन। नॉन वेज का कोई इंतजाम नहीं? नॉन वेज मेरे यहाँ वर्जित है। वर्जित। अच्छा एक बात जानना चाह रहे हैं कि जब जिस वक्त आपके नाम की घोषणा हुई उप मुख्यमंत्री के तौर पर, उस रात तो नींद तो नहीं आई होगी, क्योंकि एक सामान्य आदमी के लिए, एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए उप मुख्यमंत्री का नाम घोषित किया जाना? नहीं, जिस समय घोषित किया गया उस समय भी हमें विश्वास नहीं हुआ कि दल ने इस पद पर सेवा करने का जो अवसर दिया है वो हमें ही मिलेगा। लेकिन जब राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस अवसर को देने का फैसला लिया तो उसकी गंभीरता को समझकर मैं इस दायित्व के लिए सहज होता चला गया। अच्छा ये तो मतलब मेरा सवाल ये था कि उस रात कैसी बीती थी, क्योंकि घोषणा तो शाम के वक्त हुआ था। नहीं, घोषणा दिन में हुई थी और देर रात तक फिर उससे जुड़े हुए कई विषयों पर लगातार केंद्रीय नेतृत्व के साथ विमर्श होता रहा। और लेकिन इस बड़ी जिम्मेदारी का कहीं ना कहीं उस दायित्व का बोध हुआ और फिर मैं सहज होता चला गया। और क्योंकि ये एक बड़ा दायित्व है, खास करके बिहार ऐसे राज्य के लिए जहाँ सेवा करने का एक ये बड़ा अवसर है, क्योंकि लगातार विधायक के रूप में हम सबों ने एनडीए की सरकार ने जो बिहार में एक परिवर्तन लाया है तो उसका एक सुखद अनुभूति तो और एहसास था ही, लेकिन सरकार में इस उप मुख्यमंत्री के रूप में मुझे सेवा करने का जो अवसर मिला है तो लगा कि उसको जो एक बड़ा परिवर्तन पूरे बिहार में हुआ है, उस परिवर्तन के बाद बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में हम कैसे देखेंगे, तो उसकी तैयारी सच पूछिए तो उसी रात से भी शुरू हो गई। और हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व उस दिन पटना में थे, उन्होंने कई प्रकार से उन सारे चीज़ों को का एहसास भी कराए और पूरी जिम्मेदारी से उसको स्वीकार भी किया। बहुत देर रात तक हम बैठे रहे इसलिए कब सोया और कब जागा पता नहीं चला। अच्छा अच्छा ये आपकी जो लोकप्रियता है वो हिंदी पट्टी व क्षेत्र में ज़्यादा हो रही है, तो बीजेपी ने कुछ अलग प्लान कर रखा है क्या आपके लिए, कुछ अलग से कुछ, क्योंकि आपकी छवि रीजनल स्तर से मतलब राज्य स्तर से बढ़कर राष्ट्रीय स्तर की होती जा रही है, आप कई राष्ट्रीय स्तरों के प्रोग्रामों में भी जा रहे हैं, तो क्या बीजेपी ने कुछ अलग से सोचा? भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है, यहाँ हमारे जो कार्यकर्ता हैं वही अलग अलग दायित्वों का निर्वहन करते हैं और लगातार हम सबों ने 1982 से दल के कार्यकर्ता के तौर पर अलग अलग जो दायित्व
दल ने समय समय पर दिया, उस दायित्व का हमने पूरी ईमानदारी से निर्वहन करने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि दल को कहीं ना कहीं महसूस हुआ होगा इस जिम्मेदारी को हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं, और दल ने जिम्मेदारी दी। शेष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो हमें संस्कार दिया है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में हमने लगातार परिषद के कार्यकर्ता के नाते काम किया, और फिर अलग अलग जो हमारे अनुसांगिक क्षेत्र हैं संघ के, उसमें भी काम करने का अवसर मिला, तो कहीं ना कहीं दायित्व का एहसास हमेशा बना रहा। ये बताइए कि एक संघर्षपूर्ण जीवन रहा है आपका, राजदूत मोटरसाइकिल से डिप्टी सीएम तक का सफ़र रहा है, वो 100 रुपये की कहानी हमने सुनी है कि बाबूजी से 100 रुपये लेकर तेल भराते थे, क्या था, कभी बाबूजी रोके नहीं, कभी डांटे नहीं? नहीं, देखिए मैं अपने माता पिता का निकलौता पुत्र हूँ, स्वाभाविक है कि हमारे परिवार की व्यवसायिक पृष्ठभूमि रही है, तो उनके मन में होगा कि मेरे कारोबार को ये संभालेगा, लेकिन संघ से जुड़ने के कारण और सार्वजनिक जीवन से, सामाजिक जीवन से जो मेरा लगाव रहा, उसके कारण अलग अलग विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों में काम करने का अवसर मिला, संघ के अलग अलग अनुसांगिक क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिला। लेकिन पिताजी शुरुआती दौर में नहीं चाहते थे कि हम राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हों, इसलिए वो कभी कभी हिचकते भी थे कि इतने बड़े कारोबार को कौन देखेगा, और कई प्रकार की उनके हर अभिभावक की अपनी एक सोच होती है। इसके मैं बहुत उनको बताए हुए छिपा कर 50-100 रुपया उनसे लेकर मोटरसाइकिल में तेल भरा कर अपने क्षेत्र में पैसा चुरा के, नहीं नहीं उनसे मांग कर, अच्छा चुराना नहीं है, लेकिन बताते नहीं थे कि हम कटिहार सदर प्रखंड के पंचायतों में जाएंगे या हसनगंज अच्छा के पंचायतों में जाएंगे या अपने कटिहार नगर के अलग अलग वार्डों में हम जाएंगे, यह बताते नहीं थे, क्योंकि बताने से फिर वो हो सकता था कि इन गतिविधियों से हमको अलग करने का प्रयास करते, लेकिन कर सकते थे, लेकिन हमारी अपनी एक धुन थी। मेरे जीवन में लगा कि इस क्षेत्र से भी हम अपने समाज की, अपने क्षेत्र की सेवा कर सकते हैं। लोकतांत्रिक पद्धति में विधायिका का अपना महत्व है, जहाँ हम बड़े कैनवास पर भी सेवा करने का एक अवसर विधायी क्षेत्र में मिलता है, तो मुझे लगा कि इस क्षेत्र से हमें इस अवसर को प्राप्त करना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि आपका किस तरह का गठबंधन है बीजेपी का, ये लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपके घटक दल बिहार में जो हैं मुकेश सहनी जी, JDU, वो यूपी में आप ही के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस तरह का गठबंधन है? VIP के जो अपने माननीय अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी जी, या उनके सर्वोसर्वा हैं, उनसे हमारा गठबंधन बिहार के लिए, और बिहार में माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है, उसके मंत्रिपरिषद वो शामिल भी हैं, लेकिन जो अन्य राज्य हैं वहाँ उन राज्यों की अपनी अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। फिर अन्य राज्यों में हमारे जो घटक दल हैं बिहार में, वो अपने सुविधा अनुसार चुनाव लड़ सकते हैं। JDU भी उत्तर प्रदेश में हमारे घटक दल नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में वो अपने ढंग से रचना करते हैं, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप प्रचार में जाएंगे, और जाएंगे तो क्या कहेंगे वहाँ के लोगों से? वहाँ के लोगों से अपनी बात करेंगे, हमारी वहाँ एक सरकार बेहतर सरकार रही है, और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हमारी सरकार सामान्य श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बेहतर ढंग से चल रही है।
हमारी सरकार ने विगत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो काम किया है, उस काम के आधार पर हम जाएं। बिहार के तमाम वार्ड पार्षद और निगम पार्षद की रोजी रोटी आपने मार दी। साल 5 साल में कम से कम गैंगटॉक, दार्जिलिंग, नेपाल घूमते थे और एक निगोसिएशन, एक खेल होता था अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, वो सब आपने उसको मार दिया, उनकी रोजी रोटी मार दी। ये आपने ठीक किया और क्यों किया ऐसा? है सभी जो हमारे निगम पार्षद हैं या वार्ड पार्षद हैं, चुनाव जीत कर आते हैं, वे स्थानीय नगर निकाय की सेवा करते हैं। मुझे लगा कि सीधे चुनाव की चुनकर जो भी महापौर, उप महापौर, मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद बनेंगे, वो जनता के प्रति सीधे उनकी प्रतिबद्धता रहेगी, उनके प्रति वो जिम्मेदार होंगे और बेहतर ढंग से जो स्थानीय नगर निकाय है उसकी बेहतर ढंग से वो सेवा कर पाएंगे। और जो कई प्रकार की जो खींचतान होती थी अविश्वास प्रस्ताव के कारण, जो परिस्थितियाँ बनती थी, कभी कभी हॉर्स ट्रेडिंग की भी परिस्थिति बनती थी, तो उस अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए हमारी सरकार ने यह कदम उठाया है और इसके सभी वर्गों ने प्रशंसा की है। बिहार में शराबबंदी, उप मुख्यमंत्री जी, आप ही के जो सहयोगी पार्टी हैं जीतन राम मांझी जी, हम वो कई बार इस शराबबंदी के फैसले पर सवाल खड़ा कर चुके हैं, आपकी क्या राय है, क्या ये शराबबंदी जायज है? देखिए, शराबबंदी या इसको नशाबंदी कहें, यह बिल्कुल जायज है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सोच समझकर इस कदम को उठाया है और वास्तव में इसके काफी अच्छे परिणाम आए हैं। आज जो समाज का कमजोर वर्ग है, जो अपने गाढ़े पसीने की कमाई को शराब पीने में बहा देता था, आज उनके घर में वो गाढ़ी कमाई की राशि उनके घर में खर्च होती है, बच्चों के पढ़ाई में खर्च हो रही है, उनके भोजन पर खर्च हो रही है ना। इसके पहले शराब पीकर लोग घर में आते थे और फिर घरेलू हिंसा भी होती थी और घर में बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। तो देखिए, एक बड़ा परिवर्तन तो आया है और ख़ास करके आपने सम्माननीय श्री जीतन राम मांझी जी की चर्चा की है, उन्होंने कई चीज़ों पर अपने विचार दिए हैं, लेकिन हमारी एनडीए की जो सरकार है वो आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 एवं जो समय समय पर हम सब कुछ निर्णय लेते हैं उस आधार पर चलती है, उनके व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन जब हम सरकार में साथ हैं तो सरकार का अपना एजेंडा होता है, वहाँ बहुत व्यक्तिगत चीज़ों को हम नहीं ला सकते हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और उनका समय समय पर मार्गदर्शन भी हम सबको मिलता है, लेकिन सरकार एक उसको कहा जाए तो ज्वाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी पर चलती है, हम लोग सब मिलकर सरकार चलाते हैं, तो इसलिए जो और सरकार उन्हीं चीज़ों को करती है जो आम सहमति से हम सब अपनी राय बनाते हैं। अच्छा, ये जेडीयू के पूर्व विधायक कह रहे थे कि गांधी मैदान में पियक्कड़ महासम्मेलन करेंगे, वही विधायक साहब कभी स्टेज पर ठुमका उमका लगाते, कल बोले कि गांधी मैदान में कैल जाई पियक्कड़ के महासभा, तो ये जेडीयू के लोग ही कर रहे थे, इसको आप कैसे देख रहे हैं? वो तो खुद इस शराबबंदी के का विरोध कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, एक माननीय पूर्व विधायक ने कुछ बातें कही है, उससे पूरा वो जदयू का स्टैंड नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कुछ बातें की है, उनको बचना चाहिए, लेकिन हास परिहास में वो कई चीज़ें कहते रहते हैं। हम उनके साथ बिहार विधानसभा में सदस्य के रूप में भी रहे हैं,
तो समय समय पर हास परिहास में वो कई चीज़ों को कहते रहते हैं, लेकिन सरकार तो वही निर्णय लेती है जो सरकार का एजेंडा होता है, और उससे जो हम सबों का एजेंडा है वो कमज़ोर नहीं होता है। एक व्यक्ति के कहने से एजेंडे पर फर्क नहीं पड़ता है। गंभीरता से हमारी सरकार इस निर्णय को ली है, और सबसे बड़ी बात है कि बिहार विधानमंडल ने इसे समवेत स्वर से पारित भी किया है, इसलिए उसके गंभीरता का ध्यान है। और मुझे उम्मीद है कि शराबबंदी से जो एक खुशहाली समाज के कमज़ोर वर्ग में आया है, उसका कालांतर में एक बहुत बड़ा लाभ उस तरह के परिवार को मिलने जा रहा है। और उसके लिए हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जीविकोपार्जन योजना भी, जो ग्रामीण विकास विभाग के अधीन काम कर रहा है, और उसमें हम सब 60,000 रुपया उन्हें देकर, उनका जो परंपरागत पेशा था, वो जो तारी बेचने का काम करते थे या इस तरह के चीज़ों को बेचने का काम करते थे जो प्रतिबंधित है, तो उन्हें एक रोज़गार का अवसर हम सब प्रदान करते हैं, जिससे कि रोज़गार के अभाव में उनको कोई परेशानी नहीं। तो उपमुख्यमंत्री जी, एक बात और है कि आप जब एक लंबे समय तक 15 साल तक विधायक रहे हैं और अभी उप मुख्यमंत्री हैं, समय का जो मैनेजमेंट है वो दोनों में क्या अंतर है, कैसे मैनेज करते हैं इस समय को? देखिए, समय का प्रबंधन ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा, और इसका मैंने हमेशा प्रयास किया है। विधायक के रूप में अलग समय प्रबंधन था, अब इस दायित्व में आने के बाद समय प्रबंधन का अपना महत्व है। नियत समय पर सारे कार्यों को सरकार के कई कार्यक्रमों को एक स्वरूप देना पड़ता है, लेकिन इसमें भी मिलने का समय निर्धारित रहता है। उस निर्धारित समय पर हम अपने माननीयों से, अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, फिर अलग अलग जिलों के लोगों से अलग अलग समय निश्चित करके मिलते हैं, और प्रत्येक मंगलवार को जनता के दरबार में उप मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम हमारा चल रहा था, जो कोविड के कारण अभी बंद है, फिर अगले माह से उसे प्रारंभ करेंगे, जो प्रत्येक मंगलवार को 11 बजे से 2 बजे तक वो चलता है। उसमें राज्य के सभी जिलों के लोग मिलते हैं और अपने अपनी बातों को कहते हैं, और तत्क्षण उसका समाधान का हम सब प्रयास करते हैं। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भी प्रत्येक सोमवार को सरकार की ओर से जनता के दरबार में माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम चलता है, उसमें हम सभी मंत्रिपरिषद के सदस्य भी उसमें शामिल होते हैं, और अलग अलग विभागों की जो कठिनाइयाँ आती है तो उसका हम सब निष्पादन करते हैं। तो JDU BJP में सब ठीक है ना, सब ठीक चल रहा है ना? नहीं, देखिए, बिल्कुल ठीक है। हम लोग बिहार के विकास के लिए, बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लिए हम सब लगातार काम कर रहे हैं। 2005 से हम सब साथ हैं, बीच के एक दो वर्ष को छोड़ दिया जाए तो हम सब लगातार साथ किए, काम किए, और उसके अच्छे परिणाम आए हैं। बिहार कहीं ना कहीं बदला है, बिहार की सूरत भी बदली है, तो स्वाभाविक है कि हम सब एक बड़े उद्देश्य के लिए जमा हुए हैं। हम कोई मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने के लिए आज सरकार में नहीं है, बिहार को बदलने के लिए आज हम लोग अलग अलग दायित्वों में, कि बिहार को और कैसे बेहतर करें, बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में कैसे देखें, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सब लगातार काम कर रहे हैं। चलिए, हम लोग का नाश्ता खत्म हो गया, और चलते चलते एक सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिहार के जिस एरिया के मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं, क्या उस एरिया में बिहार के अन्य इलाकों से ज़्यादा विकास होता है? नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है। हम सब तो पूरे राज्य के विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन
स्वाभाविक है कि जिस विधानसभा क्षेत्र से या जिस जिले से हम आते हैं तो वहाँ जो आधारभूत संरचनाओं की कुछ कमी है, विगत वर्षों में हम सबों ने काम किया उसके बावजूद भी लगता है कुछ कमियाँ हैं, तो उस कमी को दूर करने के लिए अन्य जिलों के बराबरी में वो हमारा ज़िला भी आगे बढ़े इसकी चिंता तो ज़रूर करते हैं और करनी भी चाहिए। तो और ख़ास करके पूर्वोत्तर बिहार से आते हैं जो कोसी और पूर्णिया प्रमंडल के कई ज़िले हैं, मिथिलांचल का क्षेत्र है, उन सारे क्षेत्रों में विकास के पथ पर जो आकांक्षाएं उस क्षेत्र के लोगों की है तो उसको वो कहीं न कहीं विकास के कैनवास पर वो दिखे, इसका प्रयास हम ज़रूर हम करते हैं। अच्छा, आपके पिताजी आज भी आपको डांटते हैं? हाँ, निश्चित तौर पर, अभी पिताजी 97 वर्ष के हो चुके हैं, थोड़ी उम्र के साथ तो कठिनाइयाँ बढ़ती है, लेकिन आज भी वो हमारे साथ रहते हैं और सुबह में 1 घंटा हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं और घर की बातें होती है और कई प्रकार से उनके अनुभवों के आधार पर कुछ वो समझाते रहते हैं, हम सुनते भी हैं, सीखते भी हैं, करते भी हैं, समय समय पर वो डांटते भी हैं, बचपन से उनकी डांट खाने की आदत रही है क्योंकि वो चाहते थे कि हम एक अच्छे कारोबारी बने और हम एक भाजपा के कार्यकर्ता के नाते आज सरकार में हैं, लेकिन उनका बहुत सहयोग रहा है। हालिया डांट किस बात पर लगी थी? नहीं, हाल में उनके लिए एक स्वेटर खरीद कर मंगवाए थे तो उन्होंने जब दाम सुना तो काफ़ी बिगड़ गए कि क्यों इतने दाम का स्वेटर लाया, मेरे लिए साधारण स्वेटर लाता क्योंकि अपने समय के वो बड़े व्यवसायी रहे लेकिन उसके बावजूद भी वो मितव्ययी रहे, अनावश्यक चीज़ों में खर्च से हमेशा बचने का उन्होंने सलाह दिया है और वास्तव में उन्होंने ठीक ही कहा है। और उनका जिस प्रकार से मेरे माता पिता का सहयोग मेरे राजनीतिक जीवन में मिला है, हमें यहाँ तक आने में बड़ी मदद मिली है। मुझे वो पल याद है जब मेरे कटिहार के आवास पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी और देश के सभी बड़े नेता और अपने बिहार के सभी हमारे सम्माननीय नेता, चाहे वो श्री सुशील कुमार मोदी जी हों, चाहे श्री रविशंकर प्रसाद जी हों, श्री नंदकिशोर यादव जी हों, श्री राधा मोहन सिंह जी हों, श्री गिरिराज सिंह जी हों, श्री नित्यानंद राय जी हों और भी जितने माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के अपने जितने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारा घर उसका केंद्र रहा है, लेकिन हमारी माँ, हमारे पिताजी हमेशा सबों का भोजन समय पर हो, सभी लोग बेहतर ढंग से विश्राम कर सकें और मेरे पिताजी की BRP 3737 एम्बेसडर कार हुआ करती थी, वो गाड़ी हमेशा उपलब्ध भी करवाते थे, तो ये कई चीज़ें हैं जहाँ उनका सहयोग भी मिला, डांट भी पड़ी कहीं कहीं शुरुआती दौर में रोकते, लेकिन बाद के दिनों में जब उन्हें लगा कि हम अब इसी क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं, पार्टी की सेवा करना चाहते हैं, तो जो परिवार की ओर से सहयोग मिलना चाहिए उसमें कमी नहीं रही। श्री कैलाशपति, स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी का स्नेह हमको बराबर मिलता रहा है, मेरे आवास पर रुकते भी रहे हैं, तो एक लंबा सफ़र जी। सच पूछिए तो 1963 से जब पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और 1972 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और उस समय से लगातार हमारे परिवार की ओर से कभी कोई कमी नहीं होने दी गई और सभी कार्यकर्ताओं को पिताजी का स्नेह मिलता रहा, वो हमारे लिए एक बड़ा संबल का काम किया। कहीं किसी भी परिवार के लिए या कार्यकर्ता हैं उस परिवार का अगर सहयोग मिलता है तो एक बड़ी बात होती है क्योंकि
मोटे तौर पर जो घर के अभिभावक होते हैं राजनीतिक जीवन में कम सहयोग करते हैं, लेकिन एकलौता बेटा होने के कारण उसका हम बहुत लाभ भी लिए हैं, उनको हम विवश भी किए हैं और बाद में उस वो विवशता सहजता में बदली है। जी जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नाश्ता बहुत बढ़िया था, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, जिन पर हमने नाश्ते पर चर्चा की। किसी और दिन किसी और शख्सियत से हम आपको रूबरू कराएंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।